Hello students, today I am going to discuss with you the first story. The name of the story is The Third Level. This story, The Third Level, is prescribed in the book Vistas. So this is the first story. So firstly I will tell you the meaning of the story. What the meaning of the story? The meaning of the story is third level, or this third level is used here for an additional level in the New York Grand Central Station. So Grand Central Station mein टू लेवल्स थे, दो लेवल थे. लेवल का मतलब यह है कि एक स्टोरीज या फ्लोर्स, ये अंडरग्राउंड थे, क्योंकि हम वहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में जो ट्रेनें जो हैं, अंडरग्राउंड ट्रेनें भी चलती हैं. एक लेवल है, उसके नीचे फिर एक और लेवल है, तो ट्रेनें चलती हैं. तो जो प्रेजेंट जो स्टोरी है, इसमें भी दो लेवल्स हैं. There are two levels underground for the trains, ठीक है. और लेकिन यहाँ पर जो चार्ली है, he is the protagonist of the story. वो स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट है. प्रोटागोनिस्ट वो पर्सन होता है जो कि स्टोरी का मेन करेक्टर होता है. तो यहाँ पर वो इमेजिन कर लेता है या एक कह दो डे ड्रीमिंग कर लेता है, सोच लेता है कि वहाँ पर थर्ड लेवल है, एक एडिशनल फ्लोर और है. तो ये तो एक एडिशनल फ्लोर के लिए, एक थर्ड फ्लोर, थर्ड लेवल के लिए का मीनिंग हो गया कि तीसरा लेवल, ठीक है. फर्स्ट लेवल एक स्टेशन है, सेकंड लेवल पे एक दूसरा स्टेशन है, थर्ड लेवल पे क्या है, एक तीसरा स्टेशन है, ठीक है. ये तो समझ गए होंगे आप मतलब इस स्टोरी का. अब जो है आपको जो है मैं ये बताऊंगा कि जैक फिनी, जिसने ये लिखी है स्टोरी, उनका नाम है जैक फिनी. जैक फिनी कौन है? और जैक फिनी जो है वो, इनका पूरा नाम एक्चुअली वाल्टर ब्रेडन जैक फिनी है. और ये ही वाज एन अमेरिकन ऑथर, ये एक अमेरिकन ऑथर है. और हिज बेस्ट नोन वर्क आर साइंस फिक्शन, और इन्होंने साइंस फिक्शन लिखे हैं. और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ये थ्रिलर्स भी लिखते हैं. अब आपको कहे साइंस फिक्शन क्या होता है? देखिए, साइंस फिक्शन भी एक तरीके से जो है ये जो साइंस की स्टोरी होती है, एक इमेजिनिंग स्टोरी होती है साइंस की. क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में या साइंस के बारे में लिखी जाती है. जैसे लास्ट ईयर आपके उसमें एक बुक थी इनविजिबल मैन, क्लास 12th में वो एक नॉवल था, एच जी वेल्स ने लिखा था. वो उसमें वो जो साइंटिस्ट था वो ऐसी ड्रग ले लेता है जैसे कि वो इनविजिबल हो जाता है. और फिर वो मतलब कि फिर उसे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और वो किसी तरीके से ह्यूमन बींग को चीट करता है. और ऐसी कुछ स्टोरी आपने लास्ट ईयर नॉवल में थी. ऐसी आपने लास्ट ईयर एक स्टोरी और पढ़ी थी क्लास 11th में, जिसका नाम था एडवेंचर, और वो जयंत नार्लिकर ने लिखी थी, आपको याद होगा. और उस स्टोरी में जो है एक जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन करेक्टर है, उसका नाम जो है गंगाधर पंत गायतुंडे है. और वो गंगाधर पंत गायतुंडे जो है वो एक स्पीच देने जा रहा होता है, जैसे कि वो सेरिमोनियल जो रिसेप्शंस पर जो है एक स्पीच वो दिया करता, क्योंकि मेनली वो इसे प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन के रूप में बनाया जाता था. और तो इस तरीके से वो जो कहानी थी जो आपको उसमें दी थी इन क्लास 11th, तो द सेम स्टोरी दिस इज, ये भी एक वैसी कहानी है कि उसमें तो खैर वो जो है उसके ट्रक से टक्कर हो जाती है, और फिर वो जो है वो पानीपत की लड़ाई का जो रिजल्ट रहा, द बैटल, द इफेक्ट ऑफ द उसका जो कंसिक्वेंसेस ऑफ द पानीपत बैटल, उसको जस्ट वो अपोजिट थिंक करने लगता है कि इसमें
वो स्पीच देने जा रहा होता है कि व्हाट वुड हैपन एक्चुअली मराठाज, व्हाट वुड हैपन इफ मराठाज वुड वन दी बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो लेकिन है ना, तो इमेजिन करता है फिर बाद में लेटर ही कम्स इन टू दिस सेंस। तो ये इस स्टोरी में भी जो एक प्रोटागोनिस्ट है जो कि जो है चार्ली का नाम है, वो एक्चुअली एक थर्ड लेवल पे वो जो है को विजुअलाइज करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको चेक फिनी की बारे में बता रहा था मैं कि फिर उन्होंने थ्रिलर्स भी लिखते हैं वो। थ्रिलर्स देखो, ये तो मैंने साइंस फिक्शन के बारे में बात की, अब थ्रिलर्स क्या होते हैं? थ्रिलर्स जो होते हैं कोई सस्पेंस से भरी हुई, सरप्राइज से भरी हुई स्टोरीज है ना, और जिसमें कि सरप्राइज है, सस्पेंस है, एक्साइटमेंट है। तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं इनको थ्रिलर कहते हैं। इन्हें थ्रिलर्स भी लिखा था, और इनका जन्म जो है मिस्टर जैक फिनी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1911 को विस्कॉन्सिन में हुआ था, और डाइड ऑन 14 नवंबर ही डाइड इन 1995। ठीक है, यहाँ पर तो मैं राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा था, और इन कैलिफोर्निया में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने जो थ्रिलर लिखा था अपना, इनका जो मेन थ्रिलर था द बॉडी स्नैचर्स है ना, जिसमें कि इन्होंने एलियंस के बारे में लिखा था कि वो एक पॉड में थे, एक सीड के रूप में वो अर्थ पे अटैक कर देते हैं और ह्यूमन बीइंग को जो है अपडेट करते हैं, उनको गायब कर देते हैं। अच्छा, तो अब मैं इस स्टोरी पे आता हूँ कि इसकी थोड़ा आपको समरी के बारे में बताऊँ कि व्हाट एक्चुअली स्टोरी इज अबाउट। तो इस स्टोरी में क्या है कि देखो, मैं इसे डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा बड़ी है, और इसे एक वीडियो में मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, और एक वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, और वो आप फिर कहोगे देखो बड़ा वीडियो बना दिया। ठीक है, मैं इसको 2-3 वीडियोज़ में मैं इसे कंप्लीट करूँगा इस स्टोरीज़ को। और ये जो मेन प्रोटोगोनिस्ट जो है, मेन जो करेक्टर इस स्टोरी का, वो मिस्टर चार्ली है। ठीक है, और मिस्टर चार्ली जो है वो अपने ऑफिस में के काम से काफ़ी थक चुके थे, और ऑफिस की टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, वर्क स्ट्रेस था है ना, मे बी देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफिस में, और काफ़ी लेट हो चुके थे, और वो अपने घर जो है के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे, और थिंक कर रहे थे कि पता नहीं अब घर पे जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये सोचते सोचते वो काफ़ी परेशान थे, और जब वो वहाँ से अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, वहाँ वो आए। अब जब वो आते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो है वो 2 जो है वहाँ पर लेवल्स हैं, 2 ही वहाँ पर लेवल हैं, लेकिन ये इमेजिन करने लगते हैं कि ज़रूर यहाँ पर जो है 3 लेवल्स, ऐसा इमेजिन करते हैं वो एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे गए तो वहाँ ट्रेन मिस हो चुकी थी, सेकंड लेवल पे गए वहाँ भी ट्रेन मिस हो चुकी थी, और टेंशन में तो वो पहले से ही थे, काफ़ी डेस्परेट थे, डिसअपॉइंट थे, काफ़ी टेंशन में थे, प्रॉब्लम में थे। और ये जो ज़माना जो है ना, जो प्रेजेंट लाइफ है, जो 20th सेंचुरी के राइटर है कि नहीं, तो जैसे कि इनकी मैंने पहले ही बता दिया इनके बारे में, तो लाइफ काफ़ी भाई हरी जल्दबाजी है, कॉम्पिटिशन है ना, क्राउड है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की इस प्रेजेंट में। तो उससे इन्होंने एस्केप करने के लिए इन्होंने ये जो है इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर कोई थर्ड लेवल भी है, और ऐसा वो अक्सर जो इमेजिन, जब भी वो उनको ऐसा लगता था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, ये एक्चुअली एक्सपेंड करता रहता है, ये लाइक एक पेड़ की रूट्स की तरह, जैसे पेड़ की रूट्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, अंदर जाती रहती हैं, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वो एक्सपेंड करता रहता है। और ऐसा वो इसलिए इमेजिन करते हैं क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तो इसलिए हमेशा वो देखते थे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, इसलिए वो ऐसा इमेजिन कर लगते हैं कि ये तो एक्सपेंड होता जा रहा है। तो टनल के द्वारा एक टनल से गुजरते हैं और एक दूसरी दुनिया में वो पहुँच जाते हैं, और ये फील करते हैं, ये देखते हैं कि जो है देर ही लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, और वो थर्ड लेवल पहुंच गए, और दिस लेवल वाज इंटायरली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन, और ये जो लेवल था ये काफ़ी ओल्ड फैशन था और काफ़ी डिफरेंट था, एंड द लोकोमोटिव कहते हैं इंजन्स को, जो इंजन थे बहुत पुराने ज़माने के इंजन थे,
द ब्रास स्पीटून, और पीतल के बने हुए जो स्पीटून जिसमें वो जो पीक वो जो पान वगैरह थूकते हैं स्पीटून, तो स्पिट करने के लिए जो स्पीटून थे वो वहाँ पर पीतल के थे, वो बहुत पुराने ज़माने के। और द नेकेड गैस लाइट्स, और गैस लाइट्स थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो गैस लाइट का यूज़ करते थे। 1894 के टाइम की जो, अब वो वहाँ के बारे में क्यों सोचते हैं, पास्ट लाइफ में भी जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको ये लगता है कि पास्ट जो लाइफ थी बड़ी पीसफुल थी, है ना, बड़ी शांत ज़िंदगी थी, लोग कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कोई वर्क स्ट्रेस नहीं था, कोई जल कोई कोई इंसान हरी, नोबडी वाज इन हरी, है ना, लाइफ वाज वेरी पीसफुल काम। तो देयरफॉर ही स्टार्ट टू थिंक इन दिस वे अबाउट द पास्ट, है ना, तो इसलिए उनका माइंड जो है पास्ट की लाइफ में चला गया। देखो हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, परेशानी होती है, वर्क स्ट्रेस होता है। आप स्टूडेंट हैं, है ना, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और फिर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकती है, मैथ्स हो सकता है ना, सबकी अपनी अपनी जो है कहीं ना कहीं स्टडी का प्रेशर तो होता ही है ना, और भी अपनी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो नेचुरली कि इंसान इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं इमेजिन करता है, डे ड्रीमिंग करता है। तो मिस्टर चार्ली जो थे वो भी इमेजिन कर रहे थे एक्चुअली, और वो ये इमेजिन कर रहे थे कि वो पास्ट लाइफ में उनका वो चले गए हैं, और पास्ट लाइफ में फिर वो ये फील करते हैं कि जो है और कि वो जो है वहाँ पर वो एक रेलवे स्टेशन जो थर्ड लेवल पे था वहाँ वो पहुँच गए, और वो जो टिकट काउंटर था वो बड़ा ओल्ड फैशन था जैसे कि मैंने आपको बताया, और टिकट जो बुकिंग काउंटर था तो वहाँ पर वो गए, तो वहाँ पे उसने ही डिजायर टू एस्केप टू दी गेल्सबर्ग, तो उन्हें ये सोचा कि भाई जैसे कि मैं गेल्सबर्ग पे क्यों चले जाऊँ, तो उन्होंने टिकट मांगा कि गेल्सबर्ग के लिए मुझे टिकट चाहिए, एक टिकट बुकिंग जो क्लर्क था उससे, और दम और जो मनी उन्होंने दी, एक्चुअली मनी ही पेड टू दी बुकिंग क्लर्क कि ये, तो वो करेंट जो करेंसी थी, और जो वहाँ पर जो कि वो एक पास्ट टाइम में उनका माइंड चल चुका था, इसलिए वो जो बुकिंग क्लर्क था उसने कहा कि देखो ये करेंसी तो बहुत फेक है, दिस इज़ ऑल फेक करेंसी, और आई विल यू नो गेट यू अरेस्ट। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, और देन एक्चुअली कम टू दी रियल वर्ल्ड, और फिर ये अपने दोस्त जो साइकेट्रिस्ट है उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई कि मैंने ये सब विजुलाइज किया। तो उसका दोस्त कहता है, जिसका नाम साइकेट्रिस्ट, जो इनका फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट होता है, जो कि एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम्स को की क्योर करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई बिकॉज यू वेर इन स्ट्रेस एंड प्रेजेंट लाइफ इज़ वेरी फुल ऑफ टेंशन, सैडनेस, डेस्परेशन, वॉर, फियर एंड ऑल दिस, देयरफॉर यू एक्चुअली लॉस्ट, यू एक्चुअली थॉट अबाउट द पास्ट। तो इस तरीके से वो बोलता है, तो ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं मानता, कहते नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो कहता है कि भाई तो फिर क्या कहते हैं, तो ये कहता कि अपने दोस्त को जो सैम है उसको कहता कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो टिकट कलेक्ट करते थे, बताओ फिर वो क्यों करते थे, फिर उस ज़माने में तो कोई टेंशन नहीं थी, है ना। तो उसका दोस्त जो सैम है वो कहता कि भाई वो टिकट भी, जो टिकट मींस स्टैम्प्स, स्टैम्प्स माने जो डाक टिकटें वो इकट्ठी करते बिकॉज टू एस्केप फ्रॉम दी दैट प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, है ना, इसलिए लोग ऐसा जो है वो कहता कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी जो है टिकट कलेक्टिंग का वर्क करते थे। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक्चुअली आर्ग्यू करता है कि नहीं नहीं मैं कोई डे ड्रीमिंग नहीं कर रहा था, मैं रियलिटी में सोच रहा था। तो इस तरीके से ये मैंने रियलिटी मैंने विजुलाइज किया है। तो ये अपने बैंक से जाके अपने 800 जो करंट जो करेंसी होती है उसकी वो पे करता है, और वहाँ से 200 जो पास्ट जो करेंसी होती है वो ले आता है। तो इस तरीके से फिर ये जब ये जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो इसको वहाँ पर कोई भी जो है जो रेलवे जो थर्ड लेवल था वो इसे नहीं मिलता, है ना। तो इस तरह से ये जो अपने जो इसका जो फ्रेंड होता है, और ये अपनी इमेजिनेशन में उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है, और इसे ऐसा विजुअलाइज करता है कि इसका फ्रेंड भी जो है वो थर्ड लेवल पे जा चुका है, और ऐसा इसे एक लेटर भी मिलता है जिस लेटर में लिखा होता है
कि भाई आपने की जो थर्ड लेवल की जो आप रिसर्च कर रहे थे वो कैरी ऑन योर रिसर्च एंड यू नो आई एम, तो ये सेम लिखता है इसके लिए कि नाउ आई एम इन थर्ड लेवल और यू वर राइट एंड लाइफ इज़ सो कम्फर्टेबल हियर. तो नाउ स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. तो मैं जो नेक्स्ट इसका पार्ट है ये केवल इंट्रोडक्शन था बेटा, ये समरी थी, और मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपके लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और नेक्स्ट में ही मैं आपकी स्टोरी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और अदर मैटर जो है इस स्टोरी से रिलेटेड वो डिस्कस करूंगा कि ये स्टोरी बड़ी है और ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.